हेलो गाइस, दिस इज़ ग्रे वुल्फ ऑफ नोवा। सो आज मैं हिंदी में एक एस कॉम्बैट में एक गेम प्ले लाइक टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा एक गेम प्ले करके। और तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या कैसे करना है, लाइक व्हाट टू डू सो दैट योर प्लेन डजंट डाई। तो मेन प्रॉब्लम वही रहता है सबका कि ऐसे बॉम्बर निकाले प्लेन से और मतलब एसीवी से और बॉम्बर पानी में गिर गया। वैसे सेम होता है कि लाइक प्लेन निकाले और प्लेन पानी में गिर गया। तो ये चीज़ कैसे ना हो, हाउ टू प्रिवेंट योर प्लेन फ्रॉम फॉलिंग इनटू द वाटर। सो आई एम गोइंग टू गिव अ शॉर्ट ट्यूटोरियल अबाउट एस कॉम्बैट। सो बेसिकली सबको जिसको पता नहीं है व्हाट इज़ एस कॉम्बैट, तो हम लोग अभी जाएंगे सेटिंग्स को, कंट्रोल्स में जाएंगे। कंट्रोल्स में एक आता है कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल। तो आप मेरा कैमरा सेंसिटिविटी के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर हाँ मैं कंट्रोल सेंसिटिविटी में रखता हूँ 90% में। और ये है मेरा नॉर्मल एक एसीवी के लिए एक एयरक्राफ्ट कंट्रोल है। मेरा कंट्रोल असिस्ट मैं ऑन रखता हूँ, ऑटोमेटिक कैमरा रिटर्न ऑन है मेरा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन्वर्शन ऑफ। तो बेसिकली ये आर्केड मोड क्या होता है, ये आर्केड मोड अगर मैं ऐसे हिंदी में बताऊँ तो ऐसे लाइक 2D टाइप का रहता है, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। नॉर्मल सीधा सीधा प्लेन रहता है, ऊपर नीचे सीधा सीधा, राइट लेफ्ट। बट एस कॉम्बैट में क्या होता है, एकदम फुल फ्रीडम रहता है, मल्टी डायमेंशनल। लाइक आप 3D में प्लेन को कोबरा मैन्यूवर भी कर सकते हैं। आते हैं प्लेयर्स तो उनको थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे स्टार्ट करते हैं गेम आर्केड मोड से क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट रहता है। बट अभी एस कॉम्बैट जब आ जाता है तो थोड़ा सा नया लगता है, नयापन आता है। तो उसमें थोड़ा बॉडी को, जैसे आपको आपके ब्रेन को उसको एडप्ट करने में एक दो गेम प्ले में भी 5-6 गेम प्ले लगेगा, उसके बाद आपका ब्रेन उसके साथ एडप्ट हो जाएगा। तो बट इसमें कुछ टिप्स हैं, तो अभी मैं आपको ये टिप्स बताने जा रहा हूँ। एक नॉर्मल गेम प्ले करेंगे, इवेंट ही खेलेंगे ट्रिक्स। उससे पहले मैं आपको मेरा लोड आउट दिखाना चाहता हूँ। मेरा लोड आउट में मैंने ग्रेनेड लॉन्चर ले रखा है, न्यूक्लियर वाला। इक्विलाइजर है हमारे पास, स्ट्राइकर फाइटर। फाइटर में मैंने ब्लैक फ्लैग ले रखा है, जिसके पास रेल गन है। अच्छा, बॉम्बर में यूज़ करता हूँ B-21 राइडर क्योंकि सबसे स्टेबल है ये, और स्पीड इसका मेरे को सही लगता है, और HP बहुत ज़्यादा है क्योंकि 27K 300 सही है सबसे। और ड्रोन में यूज़ करता हूँ स्टिंगरे। बिकॉज इसमें क्यों यूज़ करता हूँ, बिकॉज इसमें टॉर्पीडोज मिसाइल है जो टॉर्पीडो है, तो मतलब सबमरीन एंटी सबमरीन के लिए हेल्प करते हैं। मैं हेलीकॉप्टर में यूज़ करता हूँ MI हैवॉक। वैसे है ऑप्शन आपके पास बहुत, आप नॉर्मल चिनॉक यूज़ करते हैं कर सकते हैं, वेलोर यूज़ कर सकते हैं, और मर्लिन यूज़ कर सकता हूँ आज, टाइफून ऑटो कैनन। कोई पूछता है कि इज़ रैपिड फायर इनफ, यस इट इज़ इनफ बिकॉज इट कैन शूट डाउन मिसाइल्स टू। पर टाइफून इतना अच्छा सूट नहीं कर पाएगा मिसाइल्स को, बट ये टाइफून इज़ गुड अगेंस्ट प्लेन्स एंड बॉम्बर्स। कार्पन फ्रॉम रशिया एंड क्रोटल फ्रॉम फ्रांस सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट फॉर बेस्ट ए कॉम्बिनेशन कॉम्बो। लेकिन से मैंने अपना ACV को फुल अपग्रेडेड कर रखा है, तो चलिए चालू करते हैं अभी गेम प्ले। गेम प्ले में आपको मैं समझाऊंगा कि इस कॉम्बैट में कैसे खेला जाए ACV। ओके, सो द मैप वी आर प्लेइंग नाउ इन 2 Samurai। तो अब मैं थोड़ा इवेंट के बारे में भी कुछ बता देता हूँ, एस्कॉर्ट इवेंट के बारे में। आपको सब पता ही रहेगा, पर जिसको नहीं पता, मे बी कोई नया है जो नहीं पता, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हाँ, मैं इस इवेंट के बारे में बताता हूँ। इसमें 3 ships रहते हैं, जैसे ये 3 ships हैं मेरी, लेट मी ज़ूम, ये 3 ships हैं, इनके फोर्ट जाना है जो 9 मिनट में ये टाइमर ख़त्म होने से वो पहुँचेगी एग्जैक्टली। तो आपको एनिमी को डिस्ट्रॉय करने नहीं देना है, तो उससे पहले मेरे को सब एनिमी को मारना पड़ेगा। तो बेसिकली चलिए अब मैं बताता हूँ कि अब B-21 मैंने निकाल लिया, और क्या होता है कि सबका गिर जाता है, ऐसे नीचे होते ही गिर जाता है। नीचे गिरने नहीं देना, सब टिप ऊपर रखना है, इसके हर टाइम टिप ऊपर रखना है। स्लो की थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, स्लो की
निकलना है। बस जैसे ये प्लेन अभी ऊपर जा रहा है, अब मैं दूसरे एनिमी के ऊपर अभी मैं एम करता हूँ तो प्लेन अपने आप घूम जाता है। तो प्लेन अपने आप घूम गया, ये चीज़ मैंने मेरे को बताना था, बता दिया। अभी चलते हैं गेम। Yeah.